हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कंटेनर ट्रेलर से 50 लाख का पान मसाला बरामद। तानसेन पान मसाला के 400 बैग किए बरामद। जयपुर से जोधपुर की तरफ जा रहा था कंटेनर ट्रेलर। वाणिज्य कर विभाग ने बर पुलिस चौकी के पास की कार्रवाई। वाणिज्य कर विभाग की टीम ने बर पुलिस चौकी के पास बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। जयपुर से जोधपुर की तरफ जा रहे कंटेनर ट्रेलर में पान मसाला के बैग भरे पाए गए। आवश्यक दस्तावेज नहीं होने पर पान मसाला से भरे कंटेनर ट्रेलर को आबू रोड स्थित विभाग के कार्यालय पर लाया गया, जहां कंटेनर ट्रेलर से भरे पान मसाला के 400 बैग बरामद किए गए। बरामद किए गए पान मसाला का मूल्य करीब 50 लाख रुपए आका गया है। वाणिज्य कर विभाग के अतिरिक्त आयुक्त किसना राम चौधरी के आदेश अनुसार डिप्टी कमिश्नर वीके व्यास के निर्देशन में सहायक आयुक्त महेंद्र सिंह मई टीम की ओर से ट्रांसपोर्ट चेकिंग के चलते बर पुलिस चौकी के पास कंटेनर ट्रेलर को रोका। जांच करने पर कंटेनर ट्रेलर में तानसेन पान मसाला के 400 बैग पाए गए। कंटेनर ट्रेलर चालक अलवर निवासी रसीद मेव से पान मसाला के बिल आदि तलब किए गए। कंटेनर ट्रक चालक की ओर से दिल्ली से कोयम्बटूर के दस्तावेज पेश किए गए, जबकि दिल्ली से नागालैंड के दीमापुर का ई वे बिल पेश किया गया। इस पर कंटेनर ट्रेलर को आबू रोड के मावल स्थित वाणिज्य कर विभाग के कार्यालय लाया गया। कंटेनर ट्रेलर से तानसेन पान मसाला के 400 बैग बरामद किए गए। बरामद किए गए पान मसाले का मूल्य करीब 50 लाख रुपए आका गया है। अधिकारियों की ओर से संबंधित के खिलाफ जुर्माना वसूली की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। जागरूक टीवी के संवाददाता से बात करते हुए महेंद्र सिंह सहायक आयुक्त वाणिज्य कर विभाग आबू रोड, इन्होंने ये कहा। जो कल रात को कार्रवाई की गई है वो श्रीमान अतिरिक्त आयुक्त कृष्णा राम जी के आदेश और हमारे उपायुक्त श्री वीके व्यास जी के निर्देश के अनुसार सूचना के आधार पर की गई है। बर पुलिस चौकी के सामने हमने इस कंटेनर को रुकवा के परिवहनित माल से संबंधित पूछताछ करने पर उसने जो दस्तावेज प्रस्तुत किए वो इस माल से संबंधित नहीं थे, क्योंकि जो बिल बिल्टी वगैरह पेश की वो कोयम्बटूर के लिए थी दिल्ली से, जबकि माल जोधपुर के रास्ते पे पाया गया। इस आधार पर इसको जांच के लिए रोका गया है। कितना सर्ग माल है इसमें? अभी जो भौतिक सत्यापन किया उसमें लगभग 400 बैग हैं, नानसेन पान मसाला भरा है इसमें। तो इसकी फिर बाद में वैल्यूएशन वगैरह करके जो भी नियमानुसार टैक्स पेनल्टी है वो तय की जाएगी और आगे की कार्रवाई की जाएगी। जागरूक टीवी के लिए आबू रोड से मनोज चौरसिया की रिपोर्ट।